पकड़ को मारे तो पाखाने की लापरवाही से करंट लग के स्पॉट पे डेड हो गई। ऐसा चुप रहा, खुला छोड़ दे क्या दूसरे की जाना लेने। तीन बच्चे छोटे छोटे हैं उसके, बच्चे हैं उसके, मैं क्या करूं, मैं क्या देखूं जी। गुलबर्गा एम एस किमिल कन्नी मार्केट के अपोजिट न्यू लाइफ मेटर्निटी एंड जनरल हॉस्पिटल के सामने इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक नौजवान की मौत हुई है। न्यू लाइफ मेटर्निटी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए शाहपुर से फैमिली आई थी और पेशेंट के भाई को हॉस्पिटल के साइन बोर्ड में जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौके पर ही मौत हो गई। आज इस फैमिली में एक नए मेहमान के आने की खुशी थी, पर इस मौके पर मोहम्मद इरशाद नामी नौजवान की मौत से पूरी फैमिली को सदमे में डाल दिया है। नौजवान की मौत के बाद घर वालों ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस हादसे का जिम्मेदार बताया है। इस मामले को अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वही पकड़ को मारे तो मेरे बेटे को छुड़ा लेने होंगे क्या जी, कहता धन का तो पड़ा होगा। तो तीन बच्चे छोटे छोटे हैं उसके, बच्चे उसके, मैं क्या करूं, मैं क्या देखूं जी बाजू में। मेरा बहुत मेरे बच्चे का हाल कैसा हुआ होगा। तो किसकी लापरवाही है वो देख लो, ऐसा डेंजर दवाखाना है क्या ये? बैनर है जो भी लगाई है, दोनों बैनर है, किस वजह से लगाए? किसी की हिफाजत की वजह से लगाए राजीव बाबा? गाखाने की लापरवाही से करंट लग के स्पॉट पे डेड हो गई और अंदर बोलने गए तो बोले भी नहीं किसी को भी, सब जो हम देख लेते हैं देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे आई है। ऐसा करते क्या दवाखाने वाले बैनर लगे बुलाने के लिए कि हॉस्पिटल है न्यू लाइफ है, ये इसका दिखाओ कि ये कैसा, ये ऐसे पे हमारे भाई के साथ एकदम पकड़ते साथ ही करंट मारे पूरा। ऐसा चुप रहा, खुला छोड़ दे क्या दूसरे की जाना लेने। वो भी देखो जरा हमें वाला है तो बताने के लिए आए थे, डिलीवरी के वास्ते, डिलीवरी के लिए बताने के लिए आए थे। ये था, ये था, इससे लगा जी, हां इससे लगा, ये गाने के खंभे से लगा, उन्होंने नहीं बोल रहे, नहीं नहीं ये खंभे से लगा, ये खंभे से लगा, ये वायर से लगा, वायर अभी भी है, है वायर, देखो दोनों वायरों को तोड़ दिए, सो है दो जने गवाह है, उनको लेके पास लगा शॉर्ट सर्किट वायर, अभी भी वायर गाने के खंभे से लगा, उन्होंने नहीं बोल रहे उनके मेरा सीजर था, सीजर के लिए मेरा भाई मेरे साथ में आया था। आपको 15 मिनट किसी को खाना खाने में गया, इन यहाँ को ऑटो में बैठे देखो खंबा में दिखर से उसको पकड़ के करंट बहुत जोर से मारे, अम्मा आगे चिल्ला को गिरे इतना लंबा है यार, हमें और भाभी रोले से बैठे हैं, मेरे रोले से बैठे, कोई एक एम्बुलेंस बुलाना ना कोई यहाँ, अब आदमी को करंट मारे बाद एम्बुलेंस बुलाना, ऑटो बुलाना, क्या भी नहीं, 15 मिनट तो भाई को पानी डाल रहे वो कर रहे, सख्त हो गया एकदम, करंट मारते ही सख्त हो गया मेरा भाई, वो खम्बा कैसा बनाए जी, वो खम्बे को ची को चिवा दो, खाना खा बोले तो मैं ऑपरेशन के तरह सीजर के बाद ही खाना खाता हूँ, मैं ऑपरेशन के बाद खाना खाता हूँ, बोल खाना तो नहीं खाया जी बाबा, आज जुम्मा अच्छा दिन है, बोल रहा जुम्मा को बुला ले आया मेरा भाई, हॉस्पिटल वालों को बोला था नहीं बोल रहे, तो क्या भी नहीं बोल रहे, हमारा नहीं है, हमारे को नहीं मालूम, बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, न्यू लाइट का रोशनी आगे रहने, बोल लाइट लगाना वो वही देखो वही 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 मोहम्मद इरशाद अलहाज शाहपुर से आए थे हमें। क्या उम्र है उनकी? हाँ कितनी हो गई, 36 37 है अभी, बहुत छोटा है जी, बात करे हॉस्पिटल वालों से कैसा हुआ बच्चे का, बोले तो हमें क्या करना, एम्बुलेंस नहीं बुला रहे, कहीं पकड़ना कहीं को खत्म है, वो हमारा नहीं, हमें बोले क्या, बोलो तुम्हारे, हमें बोले क्या खंभा पकड़ने पर, तुम वो कहीं को लगाए वो खंभा ने रहा, दोनों नहीं पकड़ता था वो, पैसा कमाने के लिए रखे छोटे बच्चे की जाप पकड़ती तो सबके जाना लेने बैठे तुम्हें।